एसयूवी की चाहत रखने वालों के लिए और खास तौर से मारुति की एसयूवी को पसंद करने वाले के लिए एक अच्छी खबर आज के इस वीडियो में। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा भारत की टॉप सेलिंग एसयूवी थी। मैंने थी इसीलिए बोला क्योंकि अभी हाल में ही लॉन्च हुई किया सेल्टॉस ने धमाके के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सेल के मामले में काफी समय से नंबर वन चल रही मारुति की विटारा ब्रेजा को नीचे खिसकाकर खुद नंबर वन की जगह हथिया ली। अक्टूबर 2019 में मारुति ब्रेजा की सेल्स फिगर्स थी 10,227 और किया सेल्टॉस बिकी 12,854। और हाँ, ह्यूंडई वेन्यू को भी मत भूल जाइएगा, उसने भी लॉन्च होने के बाद ब्रेजा को नाको चने चबा रखे हैं। मारुति इस सेगमेंट में नंबर वन का पायदान वापस पाने के लिए ऐसे में क्या कर सकती है? अगर मैं ब्रेजा की बात करूं तो इसके आते हैं चार मॉडल्स, LDI, VDI, ZDI और ZDI प्लस, जिसमें से LDI को छोड़कर आपको बाकी तीनों मॉडल्स मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिलेंगे। अगर आपने गौर किया होगा, ये सारे मॉडल्स DI यानी डायरेक्ट इंजेक्शन मॉडल्स हैं, जो डीजल इंजन हैं, यानी ब्रेजा में अभी पेट्रोल इंजन मिसिंग है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो है 2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट को स्पाइक किया जाना। और इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि यह स्पाइक वर्जन ब्रेजा का पेट्रोल वेरिएंट हो सकता है। 1 अप्रैल 2020 में पूरे भारत में BS6 एमिशन नॉर्म्स इंप्लीमेंट होने हैं। एक न्यूज वेबसाइट के हिसाब से अप्रैल 2020 से मारुति डीजल गाड़ियों को बेचना बंद कर देगा। तो अब मारुति के पास दो ही फिजिबल ऑप्शंस दिखते हैं, या तो पेट्रोल कार्स या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स अभी भारत में दूर के ढोल हैं, तो मारुति अभी इसको अपना मेन स्ट्रीम नहीं बना सकती, इसीलिए वो अपना फ्लैगशिप मॉडल पेट्रोल में लेकर आ रही है। अभी ब्रेजा 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है और स्पाइड वर्जन मारुति का 1.5 लीटर K15B पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो अभी अर्टिगा XL6 और सीएस में आता है। क्योंकि ये फेसलिफ्ट वर्जन होगा तो उम्मीद है इसके फ्रंट और रियर में कुछ डिजाइन चेंजेस होंगे, जिसमें फ्रंट में एक नए बम्पर के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे और पीछे भी एक नया बम्पर आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मारुति इसमें एक सनरूफ भी ला सकती है। इंटीरियर में इस कार को नया स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। ये कार 5-speed मैनुअल और 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी और इसकी मैक्सिमम पावर होगी 104 bhp 138 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। उम्मीद है इसे फेब 2020 ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया जाएगा और उसके कुछ ही महीनों में ये कार आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगी। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये कार आपको 7.5 लाख से लेकर 11 लाख भारतीय रुपयों के बीच में मिलेगी। और इसके कॉम्पिटिटर्स तो आप जानते ही हैं, फोर्ड इको स्पोर्ट, ह्यूंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, किया सेल्टॉस और महिंद्रा XUV 300। तो दोस्तों, जैसे इस कार के बारे में और डिटेल्स पता चलेंगी, सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा आपके अपने चैनल शिफ्ट RPG में। आप तब तक मुझे ये बताइए कि क्या आप कुछ महीने इसे खरीदने के लिए इंतजार करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट कीजिए अपने जवाब। तो ऐसे इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियोस आप मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।